आजमगढ़ के लहुआ कला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर मेला का आयोजन 7 जनवरी 2022 को प्राथमिक विद्यालय लहुआ कला टीको पर किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विजय सोनकर चेयरमैन लालगंज के शुभ हाथों से फीता काटकर उद्घाटन किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। डॉक्टर मुनिराज सिंह ने बताया कि पशुओं की जो भी बीमारी होती है या फिर उसका बीमा है, उसके बारे में लोगों से बताया जा रहा है और पशु मेला में 813 पशुओं को जांच कर निशुल्क दवा वितरण किया गया। इस मौके पर डीके सिंह पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा पलना, श्याम सुंदर सिंह पूर्व प्रधानाचार्य, डॉक्टर प्रिया दर्शना राव, डॉक्टर हेमंत कुमार, विनीत सिंह, राकेश सिंह, उमा शंकर पाल व पूरा स्टाफ मौजूद रहा। देखिए पूरी खबर पौनपुर यानी पर शेखर चौहान के साथ सतीश चौहान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आज पंडित दीनदयाल आरोग्य पशु मेला का आयोजन लहुआ कला में हुआ है, जिसमें यहाँ के किसान भाइयों और भी लोग आए हैं और डॉक्टर साहब के माध्यम से पशुओं की जो भी बीमारी होती है या उसका बीमा है उसके विषय में बताया जा रहा है। नौजवान और हमारी माताएं और बहनें, जितने भी लोग आए हैं इस लहुआ के पावन धरती पर, आप सभी का मैं अपने जो हमारे गांव में डॉक्टर लोगों की टीम आई है इनकी तरफ से, अपने गांव की तरफ से मैं पहले डॉक्टर साहब लोगों का अभिवादन करता हूं, उसके बाद मैं अपने गांव की तरफ से आने हुए इस टीम के टीम को अभिवादन करता हूं और जो लोग आए हुए हैं इस कोहरे में, इस ठंड में, इस बारिश के मौसम में आप सभी का हम आभार प्रकट करते हुए, यह मेला जो लगाया गया है यह मुख्यमंत्री जी के और भारत सरकार की तरफ से यह बहुत दिनों से मेला चल रहा है, इसका आप लोग लाभ उठाएंगे। डॉक्टर मुनिराज सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, जयनगर पलना। पशु शिविर का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहिए? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा शिविर मेला ये ग्राम लहुआ कला विकासखंड पलना में आज लगा हुआ है। इसमें जो पशुओं की सारी बीमारियां हैं, चाहे वो बाचपन की समस्या हो, पेट के कीड़े की समस्या हो, गर्म नहीं हो रही हो, या वो उनके टीकाकरण के विषय में है, वो सारी यहाँ पे जो दवाएं दी जा रही हैं सभी हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ चिकित्सक आए हुए हैं उनसे पूछ करके पूरी दवाएं निःशुल्क दी जा रही है। और इसके अलावा विभाग की बहुत सारी जानकारियाँ हैं, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना हो, पशुओं का बीमा कराना है, टीकाकरण की जानकारी, कब कब टीका लगाना है, यहाँ पे टीकाकरण का भी कार्य हो रहा है और ये सारे यहाँ पे लगे हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे इस शिविर में आए हैं। इसका उद्घाटन जो है यहाँ पे हमारे जो लालगंज के चेयरमैन हैं विजय सोनकर जी, उन्होंने फीता काट करके और गौ पूजन करके किया है।